아침에 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी। चावल के आटे से आप बहुत ही यूनिक रेसिपी बना सकते हैं। कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, इसे हम पिट्ठा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए पिट्ठा की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बहुत ही इजी वे में आप इस पिट्ठा की रेसिपी को बिना कोई स्टीमर के घर पे फटाफट से कैसे बना सकते हैं। विद इन हाफ एंड आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो इसको बनाने में फ्रेंड घंटों घंटों लग जाता है, बट मैं सिर्फ आधे घंटे में आप लोगों को ये पिट्ठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम पिट्ठा बनाना। पिट्ठा बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ उड़द के दाल, जो छिलका निकला हुआ होता है ना, छिलके वाली ना लें, बिना छिलके वाली ही उड़द का दाल लें। इसे हम अच्छे से पहले धो लेंगे 2 से 3 पानी, ताकि जो इसके गंदगी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से अच्छे से धोने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम पानी डालकर इसे 7 से 8 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट के लिए भिगो के इसे रख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं ओवरनाइट के लिए रखी थी, बिल्कुल अच्छे से ये फूल चुका है। ये देख सकते हैं, इसके दाने बिल्कुल बड़े बड़े से हो गए हैं। अब इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे, मतलब इसे हम छान लेंगे और एक जार में ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम ऐड कर लेंगे 12 से 15 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक। इन सभी को हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे बिना पानी ऐड किए। अगर आपको नहीं पीस पा रहे हो, इसका पेस्ट नहीं बना पा रहे हो, तो बिल्कुल थोड़ा सा आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत ऐड करना। इसका हमें बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट ही तैयार करना है, इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सारा यहाँ पीस ली हूँ। इस तरीके से चम्मच से इसे गिराने के बाद भी ये नहीं गिर रहा है, इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा पेस्ट हमें तैयार करना है। देखिए, उल्टा करने के बाद भी ये चम्मच में ही लगा हुआ है। इस तरीके का गाढ़ा पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। हम यहाँ ले लेंगे चावल का आटा और इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, साथ ही बिल्कुल गर्म पानी। जितना गर्म पानी आप इसमें ऐड करके हाथ लगा के इसका डो तैयार कर सकते हो, उतना गर्म पानी आप इसमें ऐड करना और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना। गीला बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स। नॉर्मल जैसा आप रोटी के लिए डो तैयार करते हो, वैसा डो इसका हमें तैयार कर लेना है। गर्म पानी हल्का हल्का डालते हुए बिल्कुल खौला हुआ पानी ले, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरीके से हमें एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है, देख सकते हैं जैसा कि आप। अब हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइन ऑयल और इसके ऊपर से ऐसे लगा के हमें इसे मिक्स करके साइड इसको हम रख देंगे। इसे बिल्कुल इस तरीके से हमें मिक्स करना है, ताकि ये जो ऑयल मैं ली हूँ वो जो आटे का बैटर है, सॉरी आटे का डो है, उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए, मतलब तेल चारों तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए। अब इसे हम साइड रख देंगे। ये हमारा दाल का जो पीस कर रखे थे वो है, इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक। नमक की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही ले फ्रेंड्स, क्योंकि ये उसमें फिल होता है, इसमें भरा जाएगा ना, इसलिए थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही ले। साथ में इसमें ऐड कर दे हल्दी 1/4 टेबल स्पून। हल्दी ऐड करने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि ये हल्दी नमक अच्छे से बिल्कुल हमारे दाल के पेस्ट में मिक्स हो जाए इस तरह से। अब ये जो आटा लगाकर हम रखे थे चावल के आटे को, ले लेंगे थोड़ा सा ऑयल, रिफाइंड ऑयल एक बर्तन में ले ले आप, और इसका हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे छोटा छोटा इसका, ज़्यादा छोटा भी नहीं तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं फ्रेंड्स, मीडियम साइज़ का इसे हमें बॉल बनाना है। इस तरीके से हाथ में ऑयल अप्लाई करते हुए करें, नहीं तो ये आपके हाथों में चिपकेगा फ्रेंड्स। इस तरीके से छोटा छोटा हम बॉल बना लेंगे। अब इसका हमें एक बनाना है कटोरा, कटोरा आप इसे कह सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से इसमें हम ऑयल लगा के इस तरीके से हम कटोरा बना लेंगे। जैसा आप आलू का पराठा वगैरह बनाने के लिए कटोरी बनाते हैं अंदर भरने के लिए, उस तरीके से हमें बना लेना है, इस तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें हम जो दाल का बैटर तैयार करके रखे थे वो फ्रेंड्स भर देंगे अंदर।
हाफ टेबल स्पून या जितना आपके उस बाउल के अंदर आ जाए, कटोरे के अंदर जितना आ जाए उतना आपको डालना है इसमें। इस तरीके से देख सकते हो, और इसे हमें चारों तरफ से बिल्कुल कवर कर देना, जैसा आप गुजिया के लिए बनाते ना, गुजिया बनाते हो फ्रेंड्स उस तरीके से, जो हाथ से गुजिया बनाते, एक तो मशीन से बनता है और कुछ लोग हाथ से भी बनाते हैं, तो हाथ से जैसा गुजिया बनाते हैं उस तरह से हमें इसे चारों तरफ से कवर कर देना। मैं आप लोगों को एक और बना के बताती हूँ। इस तरीके से पहले हम इसका कटोरी बना लेंगे। ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं, साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे अपना दाल जो पीस कर रखे थे। फ्रेंड्स इसको जब खाएंगे ना आप, इसे सादा बिना सब्जी से भी खाएंगे तो इतना टेस्टी लगता है ना। इस तरीके से हम इसे कवर कर लेंगे चारों तरफ से, इजली ये चिपक जाएगा फ्रेंड्स, कोई तेल कोई पानी लगाने की जरूरत नहीं होती है। देख सकते हैं कितना अच्छा बना है हमारा ये। इस तरीके से एक आध फट जाए तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, वो फटता है, अगर आप बना के ज़्यादा देर रखते तो एक दो फट जाता है फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम इसे स्टीम दे लेंगे। एक कढ़ाई में हम कर लेंगे पानी गरम, उसके ऊपर लगा लेंगे हम स्टैंड एक प्लेट में। इस तरीके से हम ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पूरे प्लेट में, इसके ऊपर एक एक करके हम सारा पिट्ठा ऐड कर देंगे, डाल देंगे मतलब। अब इसे उस स्टैंड के ऊपर हमें रख देना है इस तरीके से, और इसे हमें ढक देना है एक ढक्कन से, और 15 से 20 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है फ्रेंड्स। ध्यान रखें मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएं। एक बार देखिए मैं हटा के आप लोगों को दिखाती हूँ कितना अच्छा से ये स्टीम हो रहा है। वापस से इसे ढक दें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। देख सकते हैं फ्रेंड्स 15-20 मिनट बाद बिल्कुल अच्छे से, आप 20 मिनट पे छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छे से ये अंदर का दाल पक जाएगा। कितने अच्छे से ये सारे हमारे पक चुके हैं। थोड़ा इसे ठंडा होने दें। अब इसे निकाल लेंगे हम दूसरे बर्तन में। इस तरीके से फ्रेंड्स देखने में ही काफी यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स, ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी होता है। जब इसे आप खाएंगे तो आपको तो मन करेगा कि आप इसे सादा ही ऐसे खा ले, सब्जी की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी इसके साथ ग्रेवी वाली सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि आप आलू दम भी बना सकते हैं, या आलू की ढाबे वाली सब्जी भी बना सकते हैं, या आलू गोभी मटर भी बना सकते हैं। अब इसे हम आइए सर्व करते हैं। मैं फ्रेंड्स यहाँ आलू मटर का सब्जी बनाई थी, देख सकते हैं आप, इसके साथ मैं सर्व की हूँ। मेरे घर सभी को काफ़ी पसंद आया फ्रेंड्स। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी यम्मी होता है। बहुत से लोग तो इसके बारे में अभी जानते ही नहीं होंगे, बिल्कुल न्यू वीडियो है। आइए मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं ये अंदर का हमारा दाल भी बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये रेसिपी? मुझे पता है काफी लोगों को ये पसंद आया होगा, बहुत से लोग इसका नाम भी नहीं जानते होंगे। कौन कौन लोग हैं जो इनका नाम जानते हैं मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना फ्रेंड्स। और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे अलग अलग रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा अलग और यूनिक रेसिपी के लिए साथ। तब तक के लिए बाय बाय।